हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम मोर हैन की फैमिली आपसे शेयर करेंगे। ये एक वाटर हैन है, हिंदी में जल मुर्गी कहा जाता है, और तालाब में अक्सर ये देखने के लिए मिल जाती हैं। इस तालाब में दो तरह की जल मुर्गी रहती हैं। लास्ट ईयर डिटेल में वीडियो शेयर किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो जब पानी के ऊपर इस तरह से तिनकों से अपना घोंसला बनाए तो समझ जाइए अब इसमें ये अंडे रखने वाली हैं और जल्दी ही इसमें से चिक्स बाहर आएंगे, छोटे छोटे बेबीज़ बाहर आएंगे। तो अभी इसमें अंडे रख चुके हैं, दो तीन दिन पहले हमने देखे थे, और ये इस तरह से तिनकों को सेट करती रहती हैं और उन अंडों के ऊपर बैठकर उनको सेती हैं, और फिर जल्दी ही उसमें से चिक्स बाहर आते हैं, छोटे छोटे बेबीज़। तो दो बेबीज़ पहले आ चुके हैं और दो बेबीज़ आ जाए हैं। तो जो पहले दो बेबीज़ आ चुके हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि ये बड़े होते हैं तो ये काफ़ी एक्टिव होते हैं, और जो छोटा बच्चा होता है वो थोड़ा सुस्त होता है, कम एक्टिव होता है। तो इनके चार से लेकर छः अंडे तक होते हैं। तो दो बच्चे कल बाहर आए थे, दो बच्चे आज बाहर आ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये चार ही हैं या और भी बच्चे इसमें से बाहर आने वाले हैं। तो जो ज़्यादा एक्टिव बच्चे हैं, यानी कि जो बड़े हो चुके हैं, दो दिन बड़े हो चुके हैं, उनको पापा लाकर उनके खाना खिला रहे हैं। अब ये पापा इसलिए हैं क्योंकि जो मम्मी हैं वो अंडों को सेती हैं और घोंसले में बैठी रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं, और जो ये पापा हैं ये घूम घूम कर बेबीज़ के लिए खाना इकट्ठा करते हैं, दाना इकट्ठा करते हैं। तालाब में बहुत से इंसेक्ट होते हैं, छोटे मोटे कीड़े होते हैं, उनको ये अपनी चोंच में चुग कर लाते हैं और फिर अपने बेबीज़ को देते हैं। साथ ही जो मम्मी घोंसले में बैठी हुई हैं उनको भी खिलाते हैं, आप वीडियो में आगे देखेंगे। और आज तो मम्मी गिरते गिरते बच गई, आज थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता तो देखिए छोटा बेबी पानी में उतरने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो रहा है। तो इस तरह से सीखने की भी इनमें बहुत ज़्यादा कला होती है, बचपन से ही इनकी क्लास शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जब पापा दाना लेकर आए तो छोटे छोटे बेबीज़ ने धक्का मारकर मम्मी को गिरा दिया, और इस वजह से पापा भी डरकर वापस पीछे की तरफ भाग गए। तो इतना मज़ा आता है, नेचर इतनी प्यारी है, इतनी ब्यूटीफुल है, अगर आप उस चीज़ को नोटिस करते हैं। तो फिर पापा दाना लेकर दोबारा आए और अपने छोटे बेबी को देखिए इस तरह से दाना खिला रहे हैं। साथ ही ये मम्मी को भी दाना देते हैं क्योंकि वो घोंसले को छोड़कर नहीं जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा शिकारी होते हैं जो इनके बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमने इनकी हेल्प की थी, नहीं तो इनके जो बेबीज थे उनको कोई उठाकर ले जा रहा था, हमने बचाया था उनको। तो इसीलिए ये जो जलमुर्गी हैं ये पूरे तालाब में कहीं घोंसला बनाना पसंद नहीं करती हैं, बस हमारे घर के आगे ये इस तरह से घोंसला बनाती हैं। पूरे तालाब में आपको कहीं ये देखने के लिए नहीं मिलेंगी, तो जहाँ इनको लगता है सेफ है वहाँ ही ये आती हैं। आप सोचते हैं सारी चिड़िया, सारी गिलहरी, सारी इस तरह की मोर हैं हमारे पास ही क्यों आती है? तो अगर आप कुछ हेल्प करेंगे किसी की तो वो भी जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, हम यहाँ पे घूमते रहते हैं लेकिन ये कभी भागती नहीं है, तो इनको पता है कि हम इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सुबह को मम्मी इनके लिए रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डालती हैं तो ये एकदम से दाना लेने बाहर आ जाती हैं, तो ये इस तरह से रोटी के टुकड़े भी खाती हैं। तो इंसान को हेल्प करने की जो अपनी प्रवृत्ति है उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो जानवर के लिए हो चाहे वो इंसान के लिए हो। तो देखिए इस तरह से बेबीज़ के साथ साथ मम्मी को भी पापा दाना लाकर देते हैं, तो है ना क्यूट। आप में से एक कमेंट आया था कि आप बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हैं। तो स्टोरी टेलर भी दो तरह के होते हैं, एक मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने वाले और एक सच्चाई बताने वाले। तो हम नेचर के पास बैठकर उसको महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब जाकर ये सब कुछ हमें समझ आता है, इसीलिए आपसे शेयर कर पाते हैं, और आप सभी उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश रहती है कि नेचर का हर पॉइंट आपसे शेयर कर पाएँ, फिर चाहे वो बर्ड से रिलेटेड हो, चाहे प्लांट से रिलेटेड हो या इंसेक्ट से रिलेटेड हो। तो आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।